जब आप एक दलाल का अपने माथे पे टैग लगा लेते हो, जब आपको ये पता लग जाए कि आप चाटुकार हो, जब आपको पता लग जाए कि आप सरकार की हरकतें उनको ढकने का काम करते हो, तो ऐसी जिल्लत आपको भी झेलनी पड़ती है। उसी को सोचना चाहिए कि आज से पहले सरकार के किसी भी चीज़ों को लेकर सवाल नहीं कर रहा, तो स्मृति ईरानी कैसे मान लेगी कि भैया तू तो हमारा पालतू है, तू से सवाल करेगा? आज तक को तिहाड़ याद है, तो स्मृति ईरानी सवाल पूछने का मतलब है या तो आपको जेल हो जाएगी, आपका चैनल बंद हो जाएगा। बीजेपी का बंदा है आज जितने भी पत्रकार हैं, इनको गोदी मीडिया का टैग क्यों मिला हुआ है? इन्हें गोदी मीडिया का टैग इसलिए मिला है क्योंकि सरकार की छवि को सुधारने का काम अमित शाह का बोला चलाएं ब्लैक एंड व्हाइट पे। अमित शाह को ट्रेड हुई थी 2002 गुजरात दंगे, उसके अंदर उजागर करें। वीर चौधरी जो कि अब आज तक पे ब्लैक एंड और व्हाइट को लेकर शो करते हैं, ऐसे में स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी को तिहाड़ जेल की याद दिला दी है। सुधीर चौधरी का स्मृति ईरानी से टमाटर की महंगाई पर सवाल करना भारी पड़ गया है। अब इस चीज को लेकर सोशल मीडिया अन्य प्लेटफॉर्म पर लगातार चर्चा हो रही है, क्या एक पत्रकार अब भाजपा के नेताओं से सवाल नहीं कर सकता? अब इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गिन्नी सानी जी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। इनको क्या लगता है, आप बताइए गिन्नी सानी जी, सुधीर चौधरी को चुप करा दिया स्मृति ईरानी ने सवाल पूछने पर, कि आपके घर में टमाटर को लेकर क्या चर्चा होती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एक दलाल का अपने माथे पे टैग लगा लेते हो, जब आपको ये पता लग जाए कि आप चाटुकार हो, जब आपको पता लग जाए कि आप सरकार की जो भी आज के टाइम में गलत हरकतें उनको ढकने का काम करते हो, तो ऐसी जिल्लत आपको भी झेलनी पड़ती है। सुधीर चौधरी को सोचना चाहिए कि आज से पहले सरकार के किसी भी चीज़ों को लेकर सवाल नहीं कर रहा, तो स्मृति ईरानी कैसे मान लेगी कि भैया तू तो हमारा पालतू है, तू आज हमसे सवाल करेगा? आज तक को तिहाड़ याद है, तो आज की डेट में यही वाली बात है कि आपको पता होगा कि इससे पहले भी एक पत्रकार ने, यूट्यूबर ने, स्मृति ईरानी को उन्हीं के एरिया में जहाँ की वो लोकसभा की सांसद हैं वहाँ पर भी उनके बारे में सवाल किया, चीनी को लेकर, इनको लेकर, महंगाई को लेकर, तब भी उसने उसको धमका दिया तुम्हारा चैनल बंद करवा दूंगी। तो आप ये चीज़ समझो कि आज की में स्मृति ईरानी सवाल पूछने का मतलब है या तो आपको जेल हो जाएगी, आपका चैनल बंद हो जाएगा। तो ये तानाशाही सरेआम दिखने लगी है। जनता को सोचना चाहिए कि आज महंगाई के मुद्दे पे कोई बंदा सवाल नहीं कर सकता। अरे तो हमें खुशी हुई कि चलो पत्रकारिता का उन्होंने अपना धर्म निभाते हुए सवाल किया, पर उनको जवाब ये मिल गया क्योंकि तू हमारा पालतू है, तूने पट्टा बांध रखा है बीजेपी का, बीजेपी की महिमा गुणगान तू करता रहेगा तभी तक बचा रहेगा, अगर बीजेपी के खिलाफ खड़ा होगा तो जेल भेज देंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या पत्रकार सवाल नहीं कर सकता महंगाई पे? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने तिहाड़ जेल की याद दिलाई, कोई पलटकर जवाब नहीं दे पाए। सुधीर चौधरी ये भी तो कह सकते थे कि जेल तो अमित शाह जी ने को भी हुई थी, जो आपके गृह मंत्री हैं, चुप हो गए, उन्होंने बात संभाली और सिर्फ ये कहा कि ये मेरी जो है, आप जो है क्या कहेंगे इस पर? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो सवाल कर रहे हो, उस सवाल में आपको खुद पता होना चाहिए कि सुधीर चौधरी आज बीजेपी का बंदा है। आज जितने भी पत्रकार हैं, इनको गोदी मीडिया का टैग क्यों मिला हुआ है? इन्हें गोदी मीडिया का टैग इसलिए मिला है क्योंकि सरकार की छवि को सुधारने का काम करते हैं। आज सरकार की छवि सुधारते सुधारते इनकी खुद की छवि जो है धूमिल होती जा रही है। इनको सोचना चाहिए, एक पत्रकारिता का धर्म अगर निभाते, आज ये छोड़ दें बीजेपी का पट्टा अपने गले से निकालें, बाहर फेंकें और आड़े हाथ लें, जो आपने भी अमित शाह का बोला चलाएं ब्लैक एंड व्हाइट पे। अमित शाह को ट्रेड हुई थी 2002 गुजरात दंगे, उसके अंदर उजागर करें, कौन मना करता है? अरे सच्चाई को उजागर करोगे तो लोग तुम्हारा समर्थन करेंगे, ये मत सोचो। पर हाँ एक बात है कि अगर आप लोगों के हिसाब से काम करोगे, आपको शाबाशी मिलेगी, आपको लोग पसंद करेंगे, पर ये आपको देखना है कि आपको बोटियां चाहिए या आपको लोगों की शाबाशियां चाहिए। आज पत्रकार जो है बोटियों के लिए, चंद बोटियों के लिए आज सरकार का पट्टा बांध के बैठ गए, सिर्फ सरकार की वकालत करते और कुछ नहीं करते। उन्होंने ये सवाल भी किया था कि आंख आपको मारी गई संसद में, राहुल गांधी की तरफ से आंख नहीं मारी गई, फ्लाइंग किस किया गया, लेकिन मणिपुर की घटना हो, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, स्मृति ईरानी उस पर नहीं बोली, उस पर संसद में आवाज़ नहीं उठाई। जब पहलवानों ने आरोप लगाया उनके एक मंत्री पर, ब्रिजभूषण पर, तब स्मृति ईरानी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन फ्लाइंग किस पे सवाल उठा दिए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि फ्लाइंग किस तो की नहीं, इनको मर्यादा में रहना चाहिए, खुद भी औरत हैं। आज की डेट में अगर हम कोई जवाब देंगे तो स्मृति ईरानी के मुंह पे पड़ेगा वो जवाब जाकर के। हम नहीं चाहते किसी महिला के समान से छेड़छाड़ हो, पर आज की डेट में सोचना चाहिए कि एक 50 साल की आप औरत हो रही हैं, आपको देखना चाहिए कि आपको फ्लाइंग किस की भी है या नहीं की। फ्लाइंग किस के तौर तरीके आपको नहीं पता? अगर राहुल गांधी ने आपकी तरफ देख करके ऐसे किया होता तो इसको फ्लाइंग किस कहते? अरे वो बंदा नाक खुजा रहा है, अपने मुंह के पास बोल रहा है, वो एक जेस्चर मूवमेंट होती है। अगर ये थोड़ी पढ़ी लिखी होती तो इनको पता होता कि एक आदमी बात करते करते भी, वो लोकसभा स्पीकर हो, कह रहे मुझे बोलने तो दो, वो इशारा समझो। जब मुट्ठी बंद होकर के ऐसे बंदा मुंह के पास हाथ लाता है तो वो बोलने का इशारा करता है, या वो खाने के लिए कुछ मांगता है तब वो बात रखता है। आज इनको यही नहीं पता कि फ्लाइंग किस के मूवमेंट कैसे होते हैं, फ्लाइंग किस के वक्त कैसे देखा जाता है, क्या किया जाता है। और ये मुद्दा इन्होंने भटकाना था, इनको पता था कि मणिपुर को गायब कैसे किया जाए। अडानी को गायब करने के लिए राहुल गांधी की सरस्ता इन्होंने भंग करवा दी थी, और अभी मणिपुर को गायब कराने के लिए फ्लैंक इसका मुद्दा उतारू कर दिया। तो आज इनकी मिली भगत है, इनको सोचना चाहिए किस प्रकार से सरकार के पालतू हो चुके हैं।
संसद की सदस्यता कई दिनों के बाद राहुल गांधी को वापस मिली। ऐसे में उसके बाद बात की जाए तो राहुल गांधी को अलग अलग मुद्दे पर संसद में घेरा क्यों जा रहा है, क्या चाहते हैं बीजेपी वाले? देखिए, विपक्ष में सिर्फ एक ही लीडर है ऐसा जो आज सरकार की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, आज सरकार से सवाल करने की हिम्मत करता है। आज एक वो अकेला ऐसा आदमी है जो लोकतंत्र के लड़ रहा है। तो आज ये सोचना पड़ेगा कि स्मृति ईरानी को कि या बाकी लोकसभा स्पीकरों को कि हमारे देश किस ओर जा रहा है। अगर राहुल गांधी एक बहुत मजबूत लीडर है और राहुल गांधी एक स्ट्रांग लीडर है और ये वो साबित करके दिखाते हैं। राहुल गांधी की छवि को ख़राब करना बड़ा आसान है, पर आज सोचना चाहिए कि आप एक ऐसे लीडर की छवि को ख़राब कर रहे हो जिसको जनता प्यार करती है। अभी आपने एक देखा कि एक इंसान ने उन्हें गले लगाया, अपने घर पर बुलाया राहुल गांधी ने, उनको बैठ करके उनकी बच्ची से बात करी। तो जो एक आदमी समाज के जुड़े हुए मुद्दे उठाता है, समाज के लोगों का दर्द बांटता है, ऐसे लोगों को आप टारगेट करोगे तो कहां की इंसानियत है? राहुल गांधी बेशक आज की डेट में लोगों की नजर में एक पप्पू का सिंबल लेके घूमते हो, पर आज वो एक जननायक बन चुके हैं और एक जननायक को दुनिया प्यार करने लगी है। इन्होंने गलत गलत क्लिपें निकाल निकाल के 10-10 सेकंड की उनको पप्पू का टैग तो दे दिया, पर सही मायने में अगर आप सारे इंटरव्यू अमित शाह के सुनो, सारे इंटरव्यू मोदी के सुनो और सारे इंटरव्यू राहुल गांधी के सुनो, आप तीनों की क्लिपें पूरी पूरी सुनो, आपको पता लग जाएगा देश के सर्वोच्च पप्पू अगर कोई हैं तो ये अमित शाह और मोदी हैं। जनता की आवाज़ उठाने वाला पत्रकार होता है। स्मृति ईरानी सुधीर चौधरी को जेल की याद दिलाकर, उन्हें चुप कराकर क्या याद दिलाना चाहती है? क्या अब जनता या पत्रकार उससे भी सवाल नहीं कर सकता जिसे जनता 5 साल के लिए वोट देती है? क्या महंगाई के लिए सरकार से सवाल नहीं किया जाएगा? और किया जाएगा तो पत्रकारों को चुप करा जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुधीर चौधरी को होना चाहिए, बाकी सारे जितने भी गोदी पत्रकार हैं उनको आना चाहिए ना पक्ष में, क्यों नहीं खड़े होते? चलाएं अपने, आज की डेट में सुशांत सिंह आता है अपना बोर्ड लेकर के, उसके ऊपर मार्किंग लेकर के चलाता है टाइम्स नाउ के अंदर, तो क्यों नहीं चला रहे अब खबरें? चलाएं ना, स्मृति ईरानी की पूरी बायोग्राफी खोले ना, किसने मना करा? अरे बाकी पत्रकारों को पत्रकारों का साथ देना चाहिए, पर आप सब लोग ये सोचते हो कि भैया हमारी रोजी रोटी का जरिया बनी हुई है सरकार, तो हम कैसे सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? आज जब हम डिबेट में जाते हैं, समझना मेरी बात को, जब हम डिबेट में जाते हैं, जब हम भाषण देते हैं, तो हमें ये समझ ही नहीं आता कि हम पत्रकार से लड़ें या बीजेपी के बंदों से लड़ें, उनके समर्थकों से लड़ें। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे सामने डिबेट करने वाले एंकर भी बीजेपी के हैं और जो प्रवक्ता हैं वो भी बीजेपी के हैं, तो हमें तो समझ में नहीं आता कि हम अपनी बात किसके आगे रखें। अगर हम बात करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता को घेरने की तो एंकर उसके बचाव में आता है, एंकर को घेरते तो बीजेपी का प्रवक्ता बचाव में आता है। तो आज जब तक ये साठगांठ बना के रहेंगे, ऐसे इनको पालने पड़ेंगे और इनको एक मुंह की खानी पड़ेगी। आखिरी मेरा सवाल, रवीश कुमार ट्वीट करते हैं कि अगर इस तरीके के सवाल पत्रकार करने लग जाएं, कभी कभी पत्रकारिता जागने लग जाए इन पत्रकारों की, तो इन नेताओं की गाड़ी ईडी वाले चलाएंगे और हाथ में हथकड़ी लेकर के आएंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, रवीश कुमार एक सम्मानित पत्रकार हैं, उन्होंने चैनल से अपना इस्तीफा दिया, बाहर हुए, ये उनके सम्मान को और बड़ा करता है। और रवीश कुमार जैसे इंसान अगर आज हमारे देश में पत्रकार बच रहे हैं तो हमारे देश की पत्रकारिता जिंदा हो जाएगी और समाज एक हरा भरा समाज, जैसे कल हरियाली तीज बनाया गया, एक्चुअल हरियाली तीज उसी दिन बनना शुरू हो जाएगा जब समाज के अंदर ऐसे मुद्दों को उजागर करेंगे लोग। आज पत्रकारिता का धर्म अगर हर पत्रकार निभाए, इवन यूट्यूब के अंदर भी कई चैनल ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ तो हैं पर वो भी एजेंडे पर काम करते हैं, समझो मुस्लिम एजेंडा चलाएंगे कई पत्रकार, कई पत्रकार हिंदू एजेंडा चलाएंगे, यानी कि सबने अपने अपने काम बांट रखे हैं। जिनके फॉलोवर मुसलमान हैं वो कभी भी अगर कोई हिंदू की घटना हो जाए, कोई मुसलमान उनको मार दे तो वो चलाते ही नहीं है, उनको पता है हमारी फैन फॉलोइंग नाराज हो जाएगी, हमारी वीडियो डाउन मार जाएगी। तो आज की डेट में हर कोई आदमी अपने आप में गोदी पत्रकार का टैग लिए घूमता फिर रहा है, हर आदमी 2 पैसों के लिए काम कर रहा है, उनको ये पता लगता है कि जो खबर हमारी आगे आग की तरफ बढ़ रही है। आप सीमा हैदर को ले लो, आप समझ लो बात को, अंजू को ले लो आप, ये मुद्दे के देश के इतने बड़े मुद्दे थे जिनको उठा दिया गया, अरे इनको जेल में डाल के इनकी पूछताछ होनी चाहिए थी, पर इनको रोज नेशनल मीडिया में जगह दी गई क्योंकि इन मुद्दों को लोग देखे, सवाल टीआरपी बढ़ रही थी। सीमा हैदर को भी इतनी कवरेज इसलिए मिली क्योंकि सोशल मीडिया जो पत्रकार थे उनको टीआरपी मिल रही थी, सीमा हैदर हैशटैग डालते ही वीडियो आग की तरह वायरल हो रही थी, समझो जैसे कि फेसबुक हो यूट्यूब हो, उन्होंने अपने सारे खोल दिए ब्रह्मांड के, जा भाग जा, ये वीडियो तो रुकेगी नहीं, उसके ऊपर तो रोकने का कोई सिस्टम ही नहीं था। तो आप ये मिलियन मिलियन, दो दो मिलियन, पांच पांच मिलियन, अरे कितनों ने तो सीमा हैदर की वजह से अपने चैनल मोनेटाइज कर लिए, आप समझो इस बात को। तो ये जो हमारे देश में होने लग गया है ट्रेंड कि आप गलत दिखाओगे, आप गलत को उजागर करोगे, आप देश के मुद्दों को साइड कर दोगे तो आपकी वाहवाही होगी और आपके चैनल भी ग्रो करेंगे और आपकी कमाइयाँ भी होंगी। इसलिए आज आदमी ने अपने गले में एक ऐसा पट्टा बांध लिया है कि हम सच को नहीं दिखाएंगे, जिससे कमाई होगी वो दिखाएंगे। तो देखिए किस तरीके से गिन्नी साहनी जी ने बताया कि ना तो पत्रकारिता सैटेलाइट चैनल के पत्रकार कर रहे हैं और ना ही सोशल मीडिया के पत्रकार, वो सरकार की गोद में है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया धर्म की गोद में है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और आप सुधीर चौधरी पर किए गए इस कटाक्ष को कैसे देखते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।